कनीना में हुए सड़क हादसे को लेकर नारनौल उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने जब स्कूल एसोसिएशन की बैठक ली तो उस बैठक में एक बार जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बैठक में नारनौल के बीपीएस स्कूल के मालिक एवं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन किशन चौधरी ने नगर परिषद से जारी होने वाली फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को लेकर सवाल या निशान खड़े किए हैं और आरोप लगाए हैं कि फायर स्टेशन ऑफिसर 50,000 रुपये एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी 20,000 रुपये की मांग करते हैं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में। चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं किशन चौधरी। फायर का जरूर होना चाहिए सेफ्टी सर्टिफिकेट, मगर नगर परिषद में इतना भारी भ्रष्टाचार है, मैं सरेआम कह रहा हूँ, बोला बिना पैसे लिए तो मतलब ही नहीं आपको नगर परिषद से ड्राइवर का क्या शुक्राना है। फायर तो ठीक है, और दूसरा बताता हूँ आपको, फायर जो इंस्पेक्टर है यहाँ वो कहते हैं सिलेंडर हमारे से लगो, जो छोटे सिलेंडर होते हैं, और बिना पैसे दिए तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आपको एनओसी मिल जाए। मैं कह रहा हूँ मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और नगर परिषद का एक चेयरमैन, मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। ये बोल नहीं रहे तो बात अलग है, मैं तो 10 बार कह चुका इनको बोल दो भाई, जब तक आपके संज्ञान में हम बात ही नहीं लाएंगे तो आपको पता कैसे लगे। बिल्कुल अच्छी बात है, इसीलिए आपके आपको बुलाया। 50,000 तो लेकर वो जो ऑफिसर है और 20,000 जो बीच में वो उसका जो सबोर्डिनेट है वो लेगा। आज के बाद अगर किसी से जानकारी में आप संबंधित स्टेशन को हम पक्का उसको पकड़ेंगे। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने फायर स्टेशन ऑफिसर राजवीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि बीपीएस स्कूल को 3 अगस्त 2019 में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया था, जो कि वर्ष 2020 में ख़त्म हो गया। इसके उपरांत 3 साल तक स्कूल के पास किसी तरह की फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं थी और उन्होंने यहाँ आकर बैक डेट में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की मांग की, जिसके लिए हमने मना कर दिया। इस वजह से वह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने वर्ष 2024 में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, जो हमने 29 फरवरी 2024 को इनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसकी अवधि 3 वर्ष की है। उन्होंने जो पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं। मैं इस पूरे मामले को लेकर कल यानी कि बुधवार को रिकॉर्ड सहित डीसी मैडम से भी मिलूंगा। एवं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन किशन चौधरी ने आप पर और आपके विभाग पर पैसे मांगने के संगीन आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे सर? पत्रकार महोदय, बीपीएस स्कूल के मालिक ने जो आरोप लगाए हैं पैसे मांगने के, वो सरासर गलत है। उनकी एनओसी 3 साल बीच में टूटी हुई है, जो कि बैक डेट में भी उन्होंने मांग की थी। वो खुद कानून की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं। श्रीमान जी, इस तरह के आरोप निराधार हैं। श्रीमान जी, उन्होंने 2024 में एनओसी के लिए ऑनलाइन किया है, वो मैंने उनकी एनओसी 2024 में कर दी है, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मैं कल अपने उपायुक्त मैडम से रिकॉर्ड सहित मिलूँगा। इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ तो किशन चौधरी पैसे मांगने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी ने कहा कि बैक डेट में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं और पिछले 3 साल से इनके एनओसी टूटी हुई है, जो कि वर्ष 2024 में रिन्यू हुई है। इस पूरे मामले में दमकल विभाग के अधिकारी ने स्कूल प्रशासन पर बैक डेट में एनओसी मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने दमकल विभाग पर एनओसी के नाम पर 50,000 की मांग के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर स्कूल प्रबंधन के आरोप कहां तक सही हैं या फिर दमकल विभाग के आरोप।